अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व तो शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण राधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व तो है, सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे
उसका शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। 25 अप्रैल 1988 को उस गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं, कई कथा उपदेश आदि में सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत और असत, प्रकाश और अंधेरा, दो विपरीत शक्तियां भाव हैं, दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा, जहां सत प्रकट हो जाएगा वहां असत टिक ही नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्राय सुनता रहता हूं कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है, तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों को उपदेश दे चुके होंगे, बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए। प्राय एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष है, कलयुग के मानव ही भ्रष्ट है। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपना समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में तो दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था, एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव के एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है, कृपया आप इसे कुछ उपदेश दें तो शायद मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़के को ले गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज इतनी सी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते, मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया। महाराज ने कहा, भाई उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव, आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर महाराज ने उपर्युक्त उदाहरण देकर कहा कि इसमें हम ही दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जस नाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात पलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हुई थी। वह साधु बरसिंहसर में रहता है। श्री सागरनाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पर आया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूं गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वे 2-4 बार आकर आना बंद कर देते हैं, फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला
जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है, अतः जो ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यो ज्यो उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी का। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन के 846वें भाग में ये कार्यक्रम पिछले 845 दिन से लगातार गुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से निरंतर चल रहा है। आज 846वां दिन है और गुरुदेव की कृपा से निरंतर चलता रहे, यही हमारी विनती है उनसे। चल रहा है और ये कार्यक्रम नियमित शाम 7 बजे से लेकर के शेड्यूल टाइम इसका 8:30 तक है। कभी 8:40 8:50 तक कार्यक्रम गुरु भाई बहनों की अनुभूतियों की वजह से बढ़ भी जाता है। 7 बजे से शुरू होकर के 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने सिद्धियों की जानकारी देते हैं, फिर संजीव मंत्र देते हैं और उसके बाद सारे गुरु भाई बहन इस मंच पर सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान के बाद फिर हमारे विनोद गुरु भाई जी गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। जितने भी गुरु भाई बहन इस मंच पे आते हैं रहते हैं, उनसे निवेदन होता है कि वो अपने अनुभव साझा करें, अपनी अनुभूतियां साझा करें, अपनी कोई जिज्ञासा हो, अपना कोई प्रश्न हो सिद्धियों के संबंधित, तो अपने इस मंच पे रख सकते हैं और वो रखते हैं, उस पे चर्चा होती है। विषय बहुत सारे होते हैं क्योंकि सिद्धियों में ये जो शरीर है, गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, तो शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो सिद्धियोग के माध्यम से अपने योगिक क्रियाओं से ठीक होते हैं। उस पर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक पे वार्तालाप होता है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, कोई भी जिज्ञासा आपकी हो, आपका कोई प्रश्न हो सिद्धियोग के बारे में कि सिद्धियोग के अपनाने के बाद या सिद्धियोग आपके जीवन में कैसे लाभ ला सकता है, तो आप इस मंच पे रख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा मेरे द्वारा या इस हमारे मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनके द्वारा आपके प्रश्न का समाधान किया जाए। मेरा निवेदन है कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखें, अपना प्रश्न रखें, अपनी जिज्ञासा रखें। ध्यान के दौरान बहुत सारे गुरु भाई बहन को अनुभूतियां होती हैं। हमारा खुद का अनुभव है कि आज हम अगर गुरुदेव की कृपा से आप लोगों के समक्ष बात करने के
काबिल हैं तो गुरुदेव की ही कृपा है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अनुभव है, क्योंकि सिद्धियोग में आने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, ना आपको कोई चढ़ावा चढ़ाना है, ना आपको कहीं दान दक्षिणा देनी है, बस आपको दो काम करने हैं, एक नाम जपना है, दूसरा सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना है, वो भी ध्यान खाली पेट। उसके लिए भी गुरुदेव ने बताया है कि 3 घंटे खाने से पहले आपका ध्यान और खाने का समय कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये है विधि इसमें। इसके बाद अपने आप स्वतः योग होता है, आपको करना कुछ नहीं है, उस मंत्र में इतना प्रभाव है कि वो मंत्र ही आपकी सारी समस्याओं को समाधान कर देता है। मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, 2005 से गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़ा हूँ और जो जीवन लाभ मैं ले रहा हूँ गुरुदेव की ही कृपा है। विक्रम जी, गुरु भाई ने हैंडरेज किया, आपका स्वागत है मंच पर, आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी कृपया कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लीजिएगा आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी अभी ध्यान कर रहे थे कि एक छोटी सी अनुभूति हुई मुझे, तो मैंने कहा इसको शेयर किया जाए, है ना, सभी आजकल आपको इतनी दिव्य अनुभूतियां हो रही गुरु भाई जी कि हम सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि ऐसे जागरूक साधक अगर हो तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं जी। गुरु भाई तो क्या हुआ कि ध्यान के दौरान अभी सब अपन साथ में कर रहे थे ध्यान, तो दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों आए घर में, तो दादा का सिंहासन मैंने बनाया बढ़िया, दादा वहां विराजमान हुए तो गुरु भगवान का भी बनाया था, तो मैंने अपने हाथ से गुरु दादा की, गुरु भगवान ने कहा पहले गुरु दादा की पूजन अर्चन कर, तो मैंने उनको जो बनता है अपने भौतिक बात पूजा करते हैं जो, है ना, उनके चरण धोए मैंने पहले सर्वप्रथम, फिर उनको सफेद तौलिया फर वाली बढ़िया सफेद तौलिया से पहुंचे और उनके सिंहासन में उनको बैठ गए, बोले अब तू अपने गुरु की कर ले, गुरु दादा ने बोले कि अब तू अपने गुरु की कर ले। अच्छा, दादा गुरु ने बोला। हाँ, दादा गुरु ने बोला। और क्या, मैंने कमल का फूल ढूंढ के रखा था, वो 1000 पंखड़ी वाला, एक है ना, एक गुरु दादा के चरणों में रख दिया और एक गुरु के चरण में धोके अपने रामलाल जी सियांग के चरण धोए मैंने, और वो उसी तौलिया से चरण पहुंच के और उसी कमल में रख दिए, बीच में जो पीला वो होता है ना उसका, वहां रखे हैं। तो गुरु भगवान को फिर खाना भी लाया, तो खाना गुरु भगवान ने दादा को अपने हाथ से खिलाया, फिर वो ही भोजन दादा ने किया, और मैं पूछ रहा था, मैंने कहा दादा वो आज थोड़ा भजन चलना चाहिए, बोले थोड़ी तू प्रयास कर, मेरा आशीर्वाद तो पूरा है, खाते खाते बता रहे, अब कोई ऐसा खिलौना थोड़ा मैं जो तो मैं तुझे हाथ में पकड़ा दूं, प्रयास तो तुझे करना है, केवल जपना भर है, मैं क्या कह रहा हूँ, केवल जपना भर है, आपकी कुंडली शक्ति क्या कर रही, कहाँ से जा रही है, वो सब तुझे मैं दृश्य में दिखा दूंगा अगर तू चाहे तो, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा दादा थोड़ा थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा जब तो मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, बोले यही विश्वास तो पक्का कर ले तू। फिर मैंने देखा भैया गुरु भगवान ने दिया मुझे प्रसाद, तो वो कुंडली शक्ति ये दुर्गा काली अम्बा जो अपन है ना मूर्ति बना के पूछते हैं, वो ही कुंडली शक्ति के रूप में मूलाधार में विराजमान है, है ना, और वो दृश्य बना, वो दृश्य बना स्याही कलर का धुआं जो अपन को दिखता है स्याही कलर का, वो धुआं 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 पूरे में पूरे यहाँ सहस्त्रार तक में था, है ना, और वो जो मैंने मैंने दादा के चरणों में जो कमल रखा था वो यहाँ पर वो पंखड़ी 1000 पंखड़ी बिल्कुल अपने सहस्त्रार में मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखी ध्यान के दौरान, और मैंने कहा गुरु दादा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना मेरा थोड़ा थोड़ा। हाँ, बोले मैं तो सब भक्तों के घर जाता हूँ, जो पहचान लेता है, जो तेरे जैसे दरवाजे तक आता है लेने के उसका ऐसा ही स्वागत होता है, बोले गुरु भगवान ने ऐसा बोला कि मैं सब सिद्ध योग के जितने भक्त है सबके घर जाता हूँ, केवल मुझे लेने आने की भर विधि, जैसे दरवाजे तक आ गया लेने तेरे घर आ गया, ऐसा बोला भैया गुरु भगवान ने, बिल्कुल सच्ची बता रहा मैं, मुझे ऐसे अनुभव हुए कि गुरु भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तो उपदेश देने आता ही हूँ, मैं तो पैसा ही दे रहा हूँ सहज में दे रहा हूँ, लेकिन घर में जाके भी देता हूँ उपदेश,
देख तेरे घर में गुरु दादा को लेके आ गया, एक मामूली बात है। अरे मैंने कहा दादा यही तो नहीं समझ पाते ना, क्या समर्पण है, क्या बुद्धि है, क्या मन है, वो सब मेरा हृदय निर्मल कर दो तो ये सब बसा दो ना। बोले जी तो बस जाएगा, तू ऐसे ही स्वागत करते रहे ना, ये सब बस जाएगा। बोले सब सिद्ध युग जितने भी सिद्ध योग से जुड़े हैं साधक, मैं सबके घर जाता हूँ, केवल जो पहचान लेता है मुझे मैं उसी का हो जाता हूँ। बोले भक्त के बस में हो जाता हूँ, मेरी यही व्यथा है तो मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ। गुरु भगवान ऐसे हैं अपने समरसत श्री रामलाल जी से आंग, वाह भाई वाह, जैसे लाखों प्रणाम दादा को, करोड़ों प्रणाम ऐसे गुरु को। भगवान ने ऐसा बोला कि मैं सब सिद्ध जितने सिद्ध योग से जुड़े हैं साधक सबके घर जाता हूँ, केवल पहचानने का लेने, जैसे तू आ गया दरवाजे तक ऐसे आ जाए लेने के लिए, तो मैं तो उसके बस में हो जाता हूँ कहने लगी। ऐसा बोला गुरु भगवान ने, तो मैंने मिनती की, मैंने कहा दादा ऐसे ही आया करो, ऐसे ही बताया करो, मैं तो अनपढ़ कमार हूँ, मुझे नहीं और तक क्या करूँ क्या ना करूँ। नहीं, बोले मैं सबके घर जाता हूँ, तू ऐसा ही स्वागत किया कर तो मैं रोज आया करूंगा। बोले वाह वाह वाह, जय गुरुदेव, जय दादा। हम धन्य हैं गुरु भाई जी के आप जैसे साधक इस मंच पे हैं, हमें गर्व होता है इस प्रोग्राम को करते हुए। भैया मैं बड़ा जैसे साधक इस मंच पे आते हैं, मेरा मन बहुत खराब रहता था, लेकिन गुरु भगवान ने एक सेकंड में बिल्कुल सब ठीक कर दिया। बहुत मन का बहुत मैला आदमी था मैं, तो सभी गुरु भाई कहूंगा कि गुरु भाई जी की बात को बड़े ध्यान से सुने। आपके अंतर मन में कहीं भी कोई अनिक संदेह है तो उसको एकदम निकाल दीजिए, नाम जपिए, ध्यान करते रहिए, गुरुदेव आपके साथ हमेशा है, पल पल साथ। बस 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 दादा यही बता रहे थे कि मंत्र जाप का काम है तेरा, तेरा तो बस केवल इतनी सस्ती सौदा है वे, बोले तो उसे जपना भर है बस। और मैं बार बार कह रहा, कहने लगे जप मंत्र जाप कर, क्या हो रहा कुंडली क्या कर रही वो मेरा काम, वो तो मैं अपना करता ही रहता हूँ, तू अपना काम कर। बोले जी, बस बार बार यही उपदेश दे रहे थे, मंत्र जाप पर जोर दे रहे थे, मंत्र जाप कर। मुझे रहा नहीं गया भैया, मैं तो सोच रहा ये गुरु का आदेश है कि आपको कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको आप दुनिया को बताइए। आप तो इस मंच को बता रहे, दुनिया देखेगी कल को। हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करें, और कोई भी गुरु अनुभव करा रहे हैं ध्यान के दौरान या नींद में, स्वप्न में, चाहे अर्ध चेतना में, जिसको हम तंद्रा कहते हैं, तो उसको हमें जरूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। छोटी से छोटी अनुभूति, देखिए कोई अनुभूति बड़ी छोटी नहीं होती, एक छोटी सी अनुभूति किसी व्यक्ति को काम आ जाती है। आप एक अनुभूति से किसी का कल्याण हो जाए तो हम तो गुरु की सेवा को फल ही मानेंगे ना गुरु भाई। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है बताइए आप मुझे जी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि गुरुदेव के सिद्धियों को प्रचार प्रसार प्रसारित किया जाए, बताया जाए कि सिद्ध योग है क्या, वो मानव मात्र में कैसे काम करता है। आज सुबह क्या किया था आज मेरे 10 बच्चे हो गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, मंत्र नहीं सुन पाए थे, तो मैं घर घर गया था बुलाने। मैंने कहा बच्चे अभी समय है 15-20 मिनट का, जल्दी मुंह हाथ धो के तैयार होके आओ। तो सबने वादा किया, लेकिन वो 10 मिनट लेट हो गए थे, 10 मिनट लेट भी हो गए तो हमने कहा चलो बैठो। तो है ना मैंने कहा अगले रविवार से 9 बजे आ जाया करो, तो उनने प्रॉमिस किया। जब मैंने दोबारा बोला था आपसे कि मंत्र सुना देना इन बच्चों को, मंत्र सुनाया, वही सब गुरु भगवान। अच्छा गुरु भगवान तो मतलब अभी करो तुम, और वो सेकंडों में सुन लेता है, मतलब तुरंत में मिलता है। अगर प्रार्थना करी, फिर मैंने नहाया धोया करुण प्रार्थना करी है, ऐसा लग रहा कि बच्चे नहीं आएंगे प्रभु, सेशन जोड़ देना, चालू कर देना, तो आज 10 बच्चे आ गए। अगर करुण प्रार्थना कर सेकंडों में दे देता है गुरु भगवान, वो 10 बच्चे उम्मीद नहीं थी आने की, तो वे गुरु भगवान के मैंने करुण प्रार्थना करी। और करुण प्रार्थना करने का जे कि सेकंडों में जुड़ जाते हो आप, अगर करुण प्रार्थना करते हो, प्रार्थना की भैया भैया एक अलग है, अपना वो भजन करने का एक अलग है और करुण प्रार्थना करने का अलग। जी बिल्कुल बिल्कुल,
सुनता है भगवान, करो प्रार्थना करो, हे महेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सदगुरुदेव भगवान, मेरे बच्चे आ जाए और मैंने कहा यहाँ ध्यान सेशन शुरू हो जाए मेरे घर में। भगवान ने बिल्कुल पांच मिनट लगे और बच्चे आना शुरू हो गए। आश्रम बना दीजिए घर को, मैं तो गांव में अपने घर को आश्रम बना दिया है। हाँ गुरु भाई, मैंने तो मेरे दिल में यही बात आई थी कि मेरा हाल है गुरु भगवान, एक दिन इसमें सत्संग होने लगे तो वो थोड़ी थोड़ी रूप में सार्थक हो रहा है। अब गुरु भगवान देता है जितना सहन कर सको ना बॉडी में। गुरु भगवान बार बार बताते हैं कि मैं तो उतना डोज देता हूँ जितना समझ में आए, बुद्धि तरफ से भी, हर तरफ से भी, शारीरिक शक्ति से भी उतना डोज देता हूँ जितना आदमी समझ ले सह ले। कोई आज तक अपने सिद्धियों में बताओ कोई पागल हुआ है? नहीं हुआ, पागल अच्छे हो गए। बिल्कुल शक्ति खड़ी होना भैया, इसमें तो लोग भागो, मैंने शक्ति मतलब कुंडली शक्ति जागृत होते देखी, आदमी पागल हो जाता है। एक का सुना था कि कुंडली शक्ति उसने हट योग से अपनी जागृत कर ली, कमरे में खून खून के वो शरीर उसका फूट फूट के और खून खून के छिट्टे हो गए थे पूरे कमरे में, इतनी भयंकर है वो। तो अपने गुरुदेव भगवान अपने जितनी बॉडी में आप सह सको जितना उतना पावर देते हैं गुरु भगवान बुद्धि। अब मुझे बता रहे थे यही बार बार बता रहे तो पावर है उसमें, वो ब्रह्मांड में इतना पावर नहीं कहीं भी। तेरा काम तो केवल नाम जपना है, तू नाम जपते जा, मैं तुझे दिखाते जाऊंगा धीरे धीरे, तेरी बॉडी बन जाएगी ना बहुत, तेरी बॉडी बन जाएगी, तेरी बॉडी सहने की बन जाएगी, तो मैं डोज देता जाऊंगा धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। ऐसा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पे आए, अपनी अनुभूति को शेयर किया और आपकी दिव्य अनुभूति है गुरु भाई जी। श्वेता गुप्ता जी गुरुवान से निवेदन है कि मंच पे आए और अपनी बात को रखें, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव बन, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव बन जी। मैं भी अपनी एक अनुभूति बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये अनुभूति आज की नहीं है, ये अनुभूति अभी 10 डेज पहले की है, 10 दिन पहले की अनुभूति है। और मैं क्या है, पहले ध्यान और समर्पण जो है उस पर ज्यादा फोकस देती थी, गुरुदेव से बातें करती थी और ध्यान पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था। पर अभी मैंने मतलब 1-2 महीने से नाम जप पे बहुत ज्यादा फोकस दिया है कि नाम जप इतना करती थी, क्योंकि मुझे नाद जब ये सब लगा हुआ था तो मैं नाम जप पे इतना नहीं देती थी फोकस कि नाम जप करना है। मतलब मुझे लगता था कि सब तो मुझे लगा हुआ है, मैं क्यों नाम जप पे इतना फोकस दूं। तो मैं नाम जप करती जरूर थी, स्पीच बहुत सुनती थी गुरुदेव की, पर अब मैंने क्या है स्पीच सुनना कम कर दिया और नाम जप करना बहुत कंटिन्यू करा। तो एक दिन जैसे मैं दिन में करती थी 1 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यू नाम ही जप करना है मुझे टाइम देखते हुए, और मेरे हॉल में मैं वॉक करते करते और वो करती रहती थी बस। तो मुझे तंद्रा बहुत आती थी, मतलब मेरी ऐसी हालत हो जाती थी कि मेरी आंखें ऊपर चढ़ जाती थी और मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं करते टाइम ये सोचती कि मैं एक हाथ में मेरे दादा गुरुदेव है, एक हाथ में गुरुदेव है, तो गुरुदेव मुझे थक जाती तो अभी वो आगे चलाओ, आप ही चलाओ। तो मैं ऐसे करते करते चलती गई तो 2:30 बजी हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर ना थोड़ा लंबा हो गया, मतलब आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और तंद्रा चढ़ी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर लंबा हो गया, मतलब बड़ी हो गई हूँ मैं, मेरे पंजे थोड़े से ऊंचे। मुझे तो बड़ी दिव्य अनुभूति है, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। आप मेरी आवाज सुनिए गुरु भाई, चेहरा मैं अभी अभी आपको सुनाती हूं। अब क्या है ना कि हमारे गुरु का आदेश है कि आपको दुनिया देखे, आपकी अनुभूति दुनिया सुन तो रही है लेकिन देखे कि पीछे कौन बोल रहा है। हाँ मैं बताए अनुभूति भी इसलिए क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि अनुभूति सुनाई जाए, क्योंकि ये अनुभूति बिल्कुल डिफरेंट है। लोग सब कहते हैं कि हमारा शरीर बाहर निकल गया या हमें हल्कापन होगा, ये मेरा कभी बॉडी से कोई बाहर नहीं निकला, हल्कापन जरूर लगा है, पर ये बड़ा विचित्र था मेरे साथ कि मैं घूमती रही ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी, मेरी हाइट है 5'3" तो मेरी हाइट बढ़ गई और मैं फिर भी मैं वॉक करती जा रही तो मुझे अपनी बॉडी में ऐसा लगा कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, मैं थोड़ी सी फैटी। और मैंने धोती और कुर्ता मैंने पहना है और मेरे पैर में मोजड़ी मतलब ब्लैक कलर की वो पहनी हुई है और मेरा शरीर जो है गुरुदेव में कन्वर्ट हो गया है। वाह वाह, मतलब मैं गुरुदेव, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ अपने आप को यूं झुक के, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुरुदेव बन गई हूँ। ये मेरे साथ पहली लाइफ में फर्स्ट टाइम कि मैं गुरुदेव ही बन गई हूँ और मैं वॉक घूमती जा रही हूँ और वो गुरुदेव का नाम ऐसा हो गया, ये कंठ से ऐसे गूं करके आवाज आने लगी और मतलब अपने आप को गुरुदेव बनी हुई दिख रही है मुझे दिख रहा है कि मैं गुरुदेव बन गई हूँ।
और मैं मतलब ये सोच ही नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गुरुदेव कैसे बन सकती हूँ। मैंने दिमाग ये कह रहा है मैं गुरुदेव कैसे बन सकती हूँ, मैं बन ही नहीं सकती गुरुदेव। और मुझे वो दिख रहा है कि मेरी बॉडी गुरुदेव बन गई है, मैं थोड़ी सी फूल गई हूँ, मैंने धोती कुर्ता, मैं गुरुदेव ही में कन्वर्ट हो गई हूँ। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, एक सेकेंड का समय आपसे लूंगा, आप थोड़ा बने रहे, इस पे हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। मेरा निवेदन है सभी गुरु भाइयों से कि अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, कल की भगवान का हम जयकारा लगाएंगे इन शब्दों पे। प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल की भगवान, जय दादा। तो और मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुदेव प्लीज, मतलब मैं, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कैसे गुरुदेव बन सकती हूँ, मैं नहीं बन सकती हूँ, मेरी बॉडी मेरी गुरुदेव कैसे। और मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश करी, तंद्रा से बाहर आने की कोशिश करी, और फिर मैंने ऐसे अपने आप को बहुत कोशिश करी बाहर निकली, और मैं बैठ गई सोफे पे चुपचाप। मैं अपनी मतलब शिवरिंग मुझे बहुत ऐसी लगने लगी ठंड सी, और मैं 5 दिन तक मैंने नाम जप करना बंद कर दिया। मुझे ये सोचने लगी यार मैं कैसे कर सकती, मैं कैसे, मेरी बॉडी कैसे गुरुदेव, मतलब मेरी बॉडी ऐसा लगा कि मैं अपना शरीर नहीं है, ये शरीर गुरुदेव का है, मतलब गुरुदेव में ही बन गई मैं। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लगा मुझे, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था कि ऐसा हुआ। और ये सब नाम जप का, जब आपने इतनी मतलब सीरियस के साथ एकाग्रता के साथ आपने नाम जप किया तो ऐसा हुआ है, और जो निरंतर नाम जप करता है उसके साथ क्या होगा गुरु भाई? बता क्या है, मेरा मन, मेरे को ये लगता है अंदर से ना कि मेरा जीवन गुरुदेव ने दिया है, और अगर मैं इसमें 2 घंटे 4 घंटे वेस्ट कर देती हूँ ना कभी बात करने में, तो बात जैसी चुप होती हूँ तो नाम जब चलने लग जाता है अपने आप, और फिर अपने आप डिल्ट फील होती है, अरे यार कोई गेस्ट आ गया, तो ऐसा लगता है अरे 2 घंटे हमने नाम जप नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं। और मतलब गुरुदेव ने तो हमें यही कहा है ना, नाम जप ही करो। और अगर मैं कल को मर गई, या मैं 2 दिन बाद या 10 दिन बाद मेरे शरीर छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये सोच से मैं नाम जप करती हूँ कि मुझे वो अंत तक उस स्थिति तक जाना है जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए मैं नामदेव 24/7 करती हूँ, जब बस सोती हूँ तभी बंद करती हूँ। आप कहाँ जन्म मिलेगा गुरुबान? गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं आज्ञा चक्र पर देख गया तो फिर आपको आपको मोक्ष 100% है। गुरु भाई मैं ना कभी भी जो वो करती हूँ ना, मैंने कभी गुरुदेव से ये नहीं कहा कि मुझे जन्म मरण से मुक्त करा दो। मैं कहती हूँ मैं जब जब जन्म लूँ, जब आप इस धरती पे आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जन्म लूँ या ना लूँ, पर जब आप आओगे तो मुझे, मेरे को आना है, मुझे आना भी बनता है। कल की अवतार की जय हो। हाँ जय हो गुरुदेव। ये मेरी एक अनुभूति थी, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और भी किसी गुरु भाई बहनों को अनुभूतियां देखी। जैसे आपका कहना है कि आपने एकाग्रता के साथ पूरे लगन के साथ कि 1 बजे से 3 बजे तक मुझे नाम जप करना है जी, और 2:30 बजते-बजते उस मंत्र का इतना प्रभाव हुआ कि आपका शरीर कद बढ़ गया, आप मोटे हो गए, आपका शरीर गुरुदेव में रूपांतरित हो गया। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपके शरीर और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। गुरु भाई मैं आपको बताऊं, मुझे है ना बहुत साल से मैं कर रही हूँ गुरुदेव का मंत्र जाप भी करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ, पर मुझे कभी ऐसी कभी आज तक की अनुभूति नहीं हुई। और मैं इसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि किसी और गुरु भाइयों को ऐसा हुआ है क्या कि उनकी बॉडी मतलब ऐसे फील हो गया कि मैं गुरुदेव ही की बॉडी, मेरा कन्वर्ट हो गया कि मैं गुरुदेव ही बन गई, ऐसा किसी और गुरु भाई के उसमें भी हुआ है क्या? या ये मेरा ये मेरे को ना सपने में हुआ है या ध्यान में हुआ है? ये मुझे तंद्रा के टाइम हुआ है, क्योंकि तंद्रा में मेरी आंखें ऊपर चढ़ जाती है या एकदम ये गोले जो है ऊपर चढ़ जाते हैं, तो मुझे उस स्थिति में हुआ है। तो हो सकता है मेरा भ्रम हो है, पर मैंने अच्छे से अपने आप को देखा। तो ये किसी और एक अपना अनुभव बताना चाहूंगा। जैसे तंद्रा में आप निकाले, तंद्रा में तो मैं एक बार हवा में था, एकदम मेरी शरीर हवा में थी, इतना आनंद आता है गुरुदेव क्या क्या कराते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, सच में अद्भुत, हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा गुरुबान का जो प्रश्न है कि किसी और गुरु भाई बहन को ऐसी अनुभूति हुई है क्या? विक्रम जी ने हैंड रेज किया, गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पर। गुरु भाई अभी जब हम गुरु पूर्णिमा में काजलवास धाम में थे, वहां पर एक साधक ने बताया था, जो गुरु बहन ने अभी बताया कि मेरी बॉडी गुरु भगवान के शरीर में ट्रांसफर हो गई, ऐसा उसको वहां गुरु भाई थे, उनने भी अपनी अनुभूति शेयर की थी
हम लोग बहुत 10-12-15 लोग हो गए थे, तो वहां उनने भी बताया था बरगद के नीचे बैठ के, बरगद के झाड़ लगा है ना, गुरु भगवान के, गुरु भगवान है वहां, तो वहां पर बैठ के बताया था उनने, जो गुरु बहन ने बताई है कि वो गुरु भगवान के रूप में वो चेंज हो रहे थे, मतलब मंत्र का इतना जाप उनने रात में करते थे, वो मंत्र का जाप का बड़ा परिणाम है भैया, मंत्र जो जपता है उसको तो बहुत देते हैं गुरु भगवान, और जो हृदय से जपता है वो प्रार्थना करके कि हे गुरुदेव मेरा मन बाहर नहीं रखना चाहिए, मैं अगर ध्यान करने बैठता हूँ मैं भी गुरु से विनती करता हूँ, ये गुरुदेव ये 15 मिनट तो बस आपके लिए है गुरुदेव, मेरे विचारों को आप ही रोक सकते हो, मैं नहीं रोक सकता, मेरी ताकत नहीं है रोकने की, आप ही रोको, 15 मिनट तो करवा लो दादा, मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि दादा करवा लो यार, दादा बिठा लो, विचार से मुक्त कर दो, हम लोग संसारी लोग हैं दादा, तो वो संसारी लोगों को कितना देर आप गुरु बहन बता ही रही है कि वो गुरु भगवान की बाडी में उनकी बाडी ट्रांसफर हो, ऐसा बिल्कुल सिद्ध योग में है, सिद्ध योग में तो इतना है कि अपनी समझ बहुत आगे बात है, लेकिन वो समझ में आ रहा है, जितना दे रहा है गुरु भगवान वो समझा समझा के दे रहा है, कोई ऐसी कोई कल्पना नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सत्य चीजें हैं, केवल नाम जपने का कितना बढ़िया वो है, लोग बाग जो बता शिकायत करते हैं ना कि मेरा नाम जप चल रहा क्यों नहीं होगा, जरूर सुनेगा कल की, वो घट घट की जानने वाला है, वो रोम रोम में बसा हुआ है अपने, बस केवल करोड़ प्रार्थना करके कि हे गुरुदेव तू ही करवा सकता है करोड़ प्रार्थना, मैं नहीं जानता, तू करवा ले दादा, 15 मिनट तो कम से कम बहुत होता है भैया, बहुत देता है गुरुदेव, ऐसे समर सदगुरु श्री रामलाल श्याम की जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुभाई जी मैं गुरुबान को भी बताना चाहूंगा कि गुरुदेव अपनी स्पीच में भी कहते हैं कि मेरे शरीर में और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि मेरे शरीर में गुरु की कृपा से कुछ बदलाव हो गया, परिवर्तन आ गया, वो गुरु की कृपा से, आपको भी हो सकता है गुरु की कृपा से, बस आपको नाम जपना ध्यान करना वही तो हो रहा है, जो बड़ी लगन के साथ बड़े सद्भाव के साथ नाम को जप रहे हैं गुरुदेव उनको दर्शन करा रहे, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं, मेरा शरीर आपका शरीर एक जैसा। हाँ जी गुरु भाई बिल्कुल, हमें तो बस उस नाम को जपना है, गुरुदेव क्या मांगते हैं हमसे, कुछ भी नहीं मांगते बन, कुछ नहीं, मुझे जो जीवन दान मिला है, आपको जो जीवन मिला है, सोच करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने क्या दिया गुरु को, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, हम तो अपनी श्रद्धा भी नहीं दे पाए, हम गुरुदेव ने हमें जो काम सौंपा है अगर उसको भी हम नहीं निभा पाएंगे तो हमारा तो शिष्य होना बेकार है, जो गुरु आपसे कुछ भी नहीं मांगता कि नहीं भाई मुझे कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, मैं तो अपने गुरु की एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं चढ़ाया हूं, आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो लुटाने निकला हूं, मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए, मैं लुटा रहा हूं आप लोग लूट लो, अब हमें लूटने नहीं आता तो हमारी कमी है, नाम ही तो दिया है गुरुदेव ने, इसी से आपको सारे परिवर्तन आ जाएंगे जीवन में, जो भी आप चाहोगे इससे मिलेगा, उस नाम को जपिए, और जब आप नाम जपते हैं बहुत लगन के साथ पूरे एकाग्रता के साथ, तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आपके साथ हूं, पल पल हूं, पग पग पे हूं, जहां आप याद करोगे मुझे मैं वहां पे उपस्थित हो जाऊं, क्या चाहिए हमें, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं गुरु हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, आप झुक करके मुझसे प्रार्थना कर लो मिलेगा, ये मेरे गुरु का आदेश है कि जा दुनिया में बांट इस चीज को, तो मैं बांटने निकला हूं लुटाने निकला हूं, बांट रहा हूं लुटा रहा हूं। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, सिद्धि योग एक ऐसा योग है महायोग इसको कहते हैं, इसमें अपने आप योग होता है,
आपको कुछ नहीं करना, आपको उस परम सत्ता का नाम जपना है, उस परम सत्ता की तस्वीर को सामने रख करके ध्यान करना है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर के किस भाग पे ध्यान किया जाए, उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि आज्ञा चक पे मुझे देखो, अगर दिख गया तो फिर आगे का काम शुरू। इससे साधारण, इससे आसान क्या हो सकता है? हमें कुछ भी नहीं करना, बैठ करके भगवान का नाम जपना है और भगवान की तस्वीर सामने रख करके उनका ध्यान करना है। उस नाम, गुरुदेव बोलते हैं कि इस नाम में ऋषि मुनियों हजारों लाखों वर्षों की कमाई है। ये संजीवनी मंत्र है, इस नाम को आप जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे। गुरुभाई जी आपका स्वागत है, रंगलाल जी गुरुभाई ने हैंड्रेज किया है, आपका स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु आज गुरुदेव की जो लेखनी भाई साहब पढ़ रहे थे सत्संग, तो मतलब इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुआ अभी, गुरु बहन ने बताया, विक्रम जी भाई साहब ने बताया, यही असली सत्संग है मेरे हिसाब से ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है सबको। जय गुरु। बिल्कुल, इस मंच का यही मतलब उद्देश्य भी यही है गुरु भाई, इस मंच का भी यही उद्देश्य है कि गुरु के संस्कारों को गुरु के आदेश का पालन करते हुए इस मंच के माध्यम से दुनिया को बताया जाए कि सिद्ध योग क्या है। गुरुदेव का तो बनाया हुआ मंच है, हमारे आपके बस में कहाँ है कि हम इसको निभा सकते हैं? वही चला रहे, वही निभा रहे। गुरुदेव जैसे कहते हैं ना कि विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे तो बोल रहे थे कि मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो जितना ज्ञान था मैंने बोल दिया। बाद में उनके गुरु बोल रहे थे, फिर गुरुदेव कहते हैं मैं भी नहीं बोलता भाई, मेरे तो गंगाईनाथ जी बोलते हैं। वैसा हमारा भी यही कहना कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव बोलते हैं श्रीमुख से, हमारे अंदर वो कहां शक्ति है कि हम कुछ बोल पाए? वो अभी चाहेंगे तो जबान बंद करवा दे। जी भाई साहब। और भाई साहब सत्य का संग का मतलब यही, जब ईश्वर का रियलाइजेशन होता है ना, ईश्वर का रियलाइजेशन होता है और वो हमारे सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे अभी जैसे विक्रम भाई साहब है या ये बहन है श्वेता बहन, वो जो उन्होंने सत्य का जो रियलाइजेशन हुआ है वो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को वो एक्सेप्ट नहीं हो, सबकी आत्मा में ईश्वर ही बैठा हुआ है ना, सबको आनंद आएगा। आई थिंक ये ही सच्चा सत्संग है। हाँ गुरु भाई, गुरु भगवान बार बार बता रहे थे ये बात, जब मैं उनको पूजा उजा करके फुर्सत हुआ तो बोले सब जितने सिद्ध योग से जुड़े हैं सब गुरु भाई एक एक सामान, जितने भी मेरे शिष्य हैं, ना कोई छोटा है मेरे लिए ना कोई बड़ा है, जो जप ले इसी जपने एक दिन अपने अपन मेरे को 100% विश्वास है, 101% तो मैं नाम जपते एक दिन मोक्ष मेरे गुरु समर्पित गुरु श्री रामलाल जी से अंग विक्रम पटेल को मोक्ष गति प्रदान करेंगे। इसी जन्म में इसी मनुष्य जन्म है ना, मैंने तो अपने सब कुछ शरण में रख दिया गुरुवर, मेरा सब कुछ खुला वो है, मुझे राह दिखा दी तूने, जब तेरे सामने मेरी साफ पुस्तक खुली हुई है, अब जहां तू ले चलेगा वहीं मैं चलूंगा। केवल अपन को नाम मंत्र जपते जपते कोई बड़ा काम नहीं करना, केवल जपना भर है, जैसा गुरु बहन ने बताया, उसको वो 2 घंटे बैठ गई, कोई आया तो बड़ी वो गिलानी होती है कि मैं 2 घंटा मेरा भजन चलता, ऐसा ही जपना है ड्यूटी करके, जितना खाना पीना सोना और पैसे कमाना जरूरी है तो उससे जरूरी तो जे भी है ना मंत्र जाप, केवल मन चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते अपने गुरु भगवान ने कितनी सरल सौदा दे दी है यार, पी के गुरु भाई सिंह इतनी सरल चीज दे दी है, इतनी बड़ी पूजा कि तेरे नित्य काम करते हाथ से और तू जपता जा, चलता जा जपता जा, ड्राइविंग कर रहा तो जप, अपना काम कर रहा तो जप, वाह गुरु ऐसे समर सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग संसार में अपने ही तो हैं सिद्ध योग के जो साक्षात कल्की का अवतार हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। इसलिए तो हम कहते हैं गुरु भाई कि हम लोग तो किस्मत के धनी है कि हमारे जीवन में गुरुदेव है जिनका नाम श्री रामलाल जी सियाग है। और इस उनकी कृपा, उनकी करुणा,
पाने का मात्र एक ही तरीका है, गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपो। मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जप करता है और ध्यान करता है। गुरुदेव का यह भी कहना है कि मेरे लिए सारे शिष्य बराबर है, लेकिन वही प्रिय है जो नाम जपता है और ध्यान करता है। प्रिय शिष्य हमें बनना है, नाम जपने वाला शिष्य बनना, ध्यान करने वाला शिष्य हमें बनना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। गुरुदेव के श्री चरणों में ये कार्यक्रम समर्पित करेंगे। इंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि कृपया आए मंच पर। एक एक एक, एक, एक महेंद्र मालवी जी, महेंद्र जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। महेंद्र गुरु भाई जी अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए और अपनी बात को रखिए, मंच की शोभा बढ़ाई। महेंद्र माली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गुरु भाई? आप स्पॉटलाइट हैं, आवाज नहीं पहुंच रही। इंगू जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। कार्यक्रम को गुरुदेव के सिच आपको भी कुछ सद्योग के बारे में बताना है या कुछ अपना अनुभव कुछ साझा करना तो स्वागत है गुरु भाई जी, दो शब्द आप भी बोले। यस, मैं एक अभी का लेटेस्ट किस्सा है। एक किशनगढ़ से फोन आया था, एक का जी बहुत परेशान था, तो उसका लड़का है ना एक्सीडेंट में एकदम ये हो गया था, बहुत इंजर्ड हो गया था, खड़ा नहीं हो सकता था। तो सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बॉम्बे में आया, दिल्ली में गया, मगर सब लोगों ने कुछ इलाज किया नहीं। तो बाद में मेरा नंबर मिल गया उसको यूट्यूब से, तो मुझे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे स्थितियों के बारे में बताइए। तो जो उसका पिताजी नाम जप कर रहा था, खाली फोटो भी नहीं था, नाम जप कर, तो उसको तो किया और लड़के से बात करा दिया मुझे, और साधना चालू कर दिया उसने, और चार दिन के अंदर लड़का बैठ गया, कितना काम कर दिए, एकदम भयंकर काम, एकदम अच्छे काम किया, सीधा मंत्र चालू कर दिया उसने, और फोटो मैंने भेज दिया गुरुदेव को, अच्छा वाला फोटो भेज दिया, बोला उसको बना लो आप फोटो और सामने रख दो लड़का के सामने। तो जब बैठ नहीं सकता था, सो सकता था, बैठ क्या हुआ, बैठने लगा, अभी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया इतना। और सेकंड अनुभूति, एक गुरु भाई था उसका फोन आया, तो मैं लाइव में जैसा आपसे बात कर रहा हूँ लाइव में ऐसा बात कर रहा था, तो अचानक खेसे मुद्रा लग गई एकदम, बाप रे, मुझे दिखने लगे एकदम दिखने लगा। बोलिए कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, लगी ना, तो एकदम तो बहुत खुश हो गया, मतलब ऐसा कैसा, ये तो बातचीत में खाली यही तो सिद्धि हो गए, ये सब गुरुदेव की चेतना काम कर रही है, अपना विस्तार करना, चेतना का विस्तार है सच में। ये जो सेल्वेशन की बात करना, गुरुदेव को तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, इसके आगे की बात करना जी, तो करा है, उसी में परिवर्तन हो जाएगा। आप गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शरीर में और के शरीर में कोई अंतर नहीं, आप मेरे में परिवर्तित हो जाओगे, आप नाम जपो। तो ये नाम जप से ही परिवर्तन आएगा ना एकदम, बिल्कुल। ये थर्ड अनुभूति बहुत ऊंची है, ये अपना तो थर्ड अनुभूति क्या हुआ, तो ये मैं सुबह में ध्यान करके एकदम ध्यान लग गया, तो मेरा बॉडी ऊपर आकाश के अंदर है और मैं नीचे हूँ, दोनों जगह दिख रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं पकड़ने को जा रहा हूँ, मैं खुद को। भाई रूप से मैं नीचे खड़ा हूँ और मेरी आत्मा ऊपर खड़ी है, दोनों आत्मा।
ये सबको जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होता है तब तक मालूम नहीं पड़ता किसको। और भाई जी अगर मैं आपसे नहीं पूछा होता कि आप अपना अनुभव बताइए तो नहीं बताते ना। क्योंकि तो आपकी अनुभूतियां दिव्य होती है। नहीं तो ये जो गुरु की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जानी चाहिए बस। ये साधना का पूरा रहस्य तुम्हारे में और गुरुदेव में कोई फर्क नहीं है, एक ही हो जाएगा गुरुदेव एक हो गया तो गुरुदेव मेरे साथ में रहता है, बाजू में गुरुदेव रहता है बेटा मेरे साथ में हूँ। तो मतलब सबके अंदर है बाहर है सब वो सब जगह है सब चेतन आत्मा है, हृदय की चेतना सब में भरपूर है, सब में पूरा में सब चेतना से भरपूर है सब चेतन है। आप रोज कहते हैं गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो। सिद्ध होना है सिद्ध होना है यही चेतना सिद्ध होना है। ये क्या वास्तव आगे का कर्म की सीढ़ी खाली करना है, एकदम शांत हो जाना है, एकदम एकदम नील कर देना है, एकदम शून्य काउंस ना नाद चाहिए ना जब चाहिए एकदम शून्य काउंस, तो सारा संसार का रहस्य खुल जाएगा शून्य काउंस में। तो जो मुझे बोले हैं कि जो पिंड में ब्रह्मांड में पिंड में तो सब कुछ आपके अंदर है, बाद में प्रार्थना भी किसकी करेगा, अंदर ही बैठा है गुरुदेव तो कल के भगवान अंदर ही। गुरुदेव बोलते हैं गुरु तो आपके अंदर बैठा है, कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो आपके अंदर बैठा है। तो इसका मतलब तुम गुरुदेव का यंत्र बन गया, चलते फिरते गुरुदेव का मंदिर है। आप अभी किसे आप किसी को बताएगा तो आप नहीं बोल रहे गुरुदेव बोल रहा है, सब समझा रहे। बिल्कुल। तो ये गुरुदेव की जो है बहुत भाग्यशाली है सब लोग, क्या गुरुदेव मिला है सबको। सच में मैं वही बोलता हूँ कि हम किस्मत वाले हैं कि हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग महाराज है। आगे फ्यूचर में गुरुदेव की चेतना सारे विश्व में छा जाएगी। बिल्कुल। जिसमें में गुरुदेव की छा जाएगी, क्योंकि गुरुदेव के पास दोनों सिद्धियां ने कृष्ण का सिद्धि है गायत्री का सिद्धि है, तो आज की डेट में गुरुदेव की चेतना सारे विश्व में स्थापित हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, बोला ना भारत विश्व गुरु बनेगा। हाँ भैया लेखनी में जो लिख गए हैं वो सार्थक हो रही बात। बिल्कुल। तीन ही चीज महत्व का है, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन, आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है सब कुछ। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की, अवतार की जय हो, जय हो दादा गुरुदेव की, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी दिव्य आत्मा को जय, सभी दिव्य आत्मा को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सच में सारी दिव्य आत्माएं हैं इस मंच पे, उसमें कोई संदेह नहीं है, सभी में गुरुदेव बसा हुआ है सभी में। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।